युवक को चोर समझकर भीड़ मारा था। उस युवक का मौत हुआ था। इस घटना के निसार वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कल्याण में मोर्चा निकाला गया था। मोर्चाकारों तहसीलदार से मिलकर निवेदन किया और मॉब लिंचिंग जैसी बड़ी घटनाओं पर कड़क कानून बनाने की मांग की। पेश है कल्याण से सुनील शर्मा की एक खास रिपोर्ट। एक्चुअली मैं वेलफेयर पार्टी महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। ये जो झारखंड में तबले संचारी की जो है भीड़ के जरिए हत्या हुई है, उसकी वजह से जो है समाज में जो है वो बहुत गम और गुस्सा है, तो वो गम और गुस्से का इजहार करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। और कल्याण में हम लोगों ने बहुत सारे संगठन के साथ में मिलकर एक मोर्चा निकाला है। जो दूसरे संगठन हमारे साथ आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यहाँ पे अपना गुस्सा और विरोध प्रकट करना चाहते हैं सरकार से, कि सरकार का काम लोगों की जान माल इज्जत की हिफाजत करना है, और ये भाजपा सरकार इसके अंदर जो पूरी तरह से नाकाम हो गई है। और ये जगह जगह अब तक जो है 3-4 साल में 100 से ज़्यादा बेगुनाह, जिसमें मेजोरिटी मुसलमानों की, उसको मारा जा चुका है, उसमें दलित भी हैं। तो हम इसका विरोध प्रकट करने के लिए तहसीलदार से मिलने के लिए आए थे। गप्पू डोन चौक से चल के यहाँ तहसीलदार ऑफिस तक का, और महाराष्ट्र में हमने दूसरी जगह भी ऐसा विरोध प्रकट किया है, मुंबई में किया है, इसके अलावा नागपुर में किया है, अकोला में किया, औरंगाबाद में किया है। आज हमने यहाँ विरोध प्रकट किया है। हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों की जान माल की हिफाजत करे, ये उसका काम है, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, मगर वो नहीं करके उन्होंने एक आदमी को नहीं मारा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया है, भारत के संविधान को तोड़ा है, भारत के संविधान को नुकसान पहुंचाया है। हम ये भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे वाकयात ना हो, उसके लिए कानून बनाए, और जो लोग इसमें मारे गए और जो हत्यारे वीडियो में नजर आ रहे हैं साफ साफ, उनको पकड़ा जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए।